Assalamualaikum students. How are you all? Hope you are doing well at home and enjoying. Today we are going to study the third lesson of our English that is Gulliver among the little people. Gulliver's Travelers recounts the story of Lamel Gulliver, an Englishman trained as a surgeon who narrates the adventures that befall him on his sea voyage. The story is set in early 18th century England. His ship, called the Antelope, witnesses a fiery storm. He, however, swims safely to a shore and soon falls asleep. He wakes up to find himself tied to the ground with small pieces of thread. Read out the story to find out what happens next. गुलीवर ट्रैवल्स एक बुक है जिसमें लेमल गुलीवर की बहुत सारी बातें हमें बताई गई है इस बुक का हीरो जो है वो लेमल गुलीवर है ये इंग्लिश मैन है और एक ट्रेन डॉक्टर सर्जन है तो जो ये सर्जन डॉक्टर होता है उसके साथ बहुत सारी वाक़ा पेश आते हैं जो कि एडवेंचरस हैं इस शिप में अपने सफ़र के दौरान क्योंकि ये बहुत जगह पे सफ़र करता है और वही हमें बताते हैं कि इसके साथ क्या क्या हुआ और एटीन सेंचुरी होती है एटीन सेंचुरी का टाइम होता है ये इंग्लैंड में तो उसका शिप जिसका नाम एंटिलोफ है उसमें एक बहुत खौफनाक तूफान आता है समंदर में एक खौफनाक तूफ़ान आता है और वो शिप उस उसके साथ क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन वो किसी तरह से सेफली शोर की तरफ जो समंदर का साहल होता है वहाँ पे उसकी तरफ स्विम करता है और उसको वहाँ पे नींद पड़ती है जब वो उठता है तो वो खुद देखता है कि वो बंधा हुआ है किसी चीज़ से जो धागा जैसा है अभी बोल रहे हैं कि रीड आउट द स्टोरी अब हमें ये कहानी पढ़नी है आगे ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ तो देखते हैं वंस से शिप कॉल्ड द एंटीलो वॉज ऑन इट्स वे टू द साउथ सीज ये एक ये सच्ची तो नहीं है इमेजनरी कहानी है ये इरिश ऑथर ने लिखी है इन सेवेंटीन ट्वेंटी सिक्स तो उसमें ये बताते हैं कि जो एंडलोप है ये शिप का नाम है तो साउथ सीज की तरफ ये ट्रेवल कर रहा था जब भी अभी चल ही रहा था रास्ते में था समंदर में तो उसमें थर्टी सेलर्स थे सेलर्स जो उसमें सफ़र करते हैं जैसे गाड़ी में पैसेंजर्स होते हैं तो और उनके साथ एक कैप्टन होता है कैप्टन मींस जो उस शिप को चला रहा होता है एंड ए डॉक्टर जो इस सर्जन डॉक्टर होता है लेमियल गलीवर तो शिप वॉज सेलिंग नियर ए रॉक अब वो एक बड़ी सी चट्टान के पास पहुंच जाता है एक बड़ी सी रॉक होती है समुंदर में ऑल ऑफ ए सटन देयर वॉज ए स्टॉम विद रैन एंड थंडर ऑल ऑफ ए सडन अचानक से वहाँ एक तूफ़ान आता है बारिशें होती है और बादल गरजते हैं द सी रोड जो समंदर है वहाँ पे बहुत शोर सुनाई देता है लहरों का द विंड बल्यू तो जो ये हवाएं होती है ये तेज़ चल रही होती है और लहरें एक दूसरे के साथ टकरा जाती है और उसकी वजह से एक शोर मतलब वहाँ पे हो जाता है बहुत डार्क हो जाता है तूफ़ान आता है बारिश गरजते हैं वहाँ एक खोफनाक सा वो समा हो जाता है तो जो शिप है वो एकदम से टकरा जाता है रॉक की तरफ और ब्रोक इन टू और उसके दो हिस्से हो जाते हैं द सेलर्स जम्प एंड टू सी जब इतना खतरनाक डरावना तूफान आता है इसमें ये जो समंदर समंदर में ये जो एंटीलोव है ये जब उसके दो हिस्से हो जाते हैं ये तूफान में गिर जाता है हर तरफ से लहरें उसको टकरा जाती है जो सेलर्स से हैं वो डर जाते हैं और एकदम से जंप करते हैं समुंदर में ओनली वन मैन रिचर्ड द शोर एंड सेवर हिमसेल्फ ही वॉज द शिप्स कैप्टन लैम्यल गुलीवर लेकिन वो बाकी लोग तो नहीं पता कहाँ जाते हैं वो बच जाते हैं कि नहीं लेकिन साहिल समंदर का जो साहिल होता है शोर होता है सी शोर वहाँ तक एक ही आदमी पहुँच जाता है और वो है शिप का डॉक्टर जो लैम्यूल गीवर जिसका नाम है तो गुलीवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड तो जब गुलीवर वहाँ पहुँच जाता है वो बिल्कुल अकेला होता है उस आइलैंड पे आइलैंड जो चारों तरफ होता है गेरा समंदर से और बीच में एक जगह होती है ही लेफ्ट द सी शोर एंड वॉक फॉर टाइम अक्रॉस ओपन फील्ड्स वो समंदर का साहल छोड़ देता है और थोड़ा सा आगे निकल जाता है जहाँ पे वो खुले फील्ड्स होते हैं मैदान होते हैं खेत होते हैं तो वहाँ पे नरम नरम देन ही ले डाउन ऑन सॉफ्ट ग्रास वहाँ पे सॉफ्ट नरम नरम ग्रास होती है तो उस पर वो सो जाता है लेट जाता है उसी पे ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सोन फेल अ स्लीप गुलीवर बहुत थक गया होता है पहले वो तूफान जब गिरता है उस एंटीलोग को और वो उससे डर के जंप करते हैं समंदर में सब फिर वो स्विम करते करते शोर तक आ जाता है और उस सब की वजह से वो बहुत थक चुका होता है और जब वो यहाँ पहुँचता है तो उसको एकदम से नींद आती है ही वो अप अर्ली नेक इन द मॉर्निंग जब सुबह आती है तो वो जल्दी सुबह जाग जाता है ही वॉन्ट टू गेट अप बट ही कोडन टू मू हिज़ आर्मज और लेग्स जब वो सुबह उठना चाहता है नींद से जाके के बट वो मुंह ही नहीं कर रहा है ये क्या तो वो देखता है दे वायर टाइट टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स वो देखता है कि उसके जो हाथ है और जो उसके पैर है वो बंधे हुए हैं ज़मीन के साथ ही सेट टू हिम सेल्फ ओह आई कॉन्ट मूव माई और लेग्स वो खुद ही बोलता है कि मैं मुँह ही नहीं कर पा रहा हूँ ना अपने पैर ना अपने हाथ बिल्कुल मेरे बाजू मेरी टांगे एवरी थिंग इज़ टाइड तो सम एनिमल इज़ मूवंग ऑन माई बॉडी वो बोलता है कि कुछ एनिमल जैसा है जो मेरी बॉडी पे चल रहा है यहाँ वहाँ मूमेंट कर रहा है इट इज़ वॉकिंग टू माई फेस ये मेरे चेहरे की तरफ आ रहा है वट एनिमल कैन इट बी तो ये क्या हो सकता है वो खुद ही बोलता है खुद से इट वॉज़ ए टाइनी मैन ये एक छोटा सा आदमी होता है ओनली सिक्स इंचिस टली सिर्फ छः इंच टॉल होता है मतलब बहुत बहुत, बहुत छोटा होता है इन ए शॉर्ट एंड ऑफ गुली शॉर्ट मैन लिटल मैन ऑन गुलीवर्स बॉडी तो कुछ ही देर में बहुत सारे लोग होते हैं जो ही मैन होते हैं छोटे छोटे छः इंच के लोग ये डजनस में होते हैं ऑल ओवर गुलीवर्स बॉडी सारी गुलीवर की बॉडी पे होते हैं तो सम कैरीड कैरीट एंड पोज तो उनमें से कुछ लोगों के पास होती हैं तीर छोटे छोटे तीर जो नीडल से छोटे होते हैं गुलीवर इन लिलिपुट द कंट्री ऑफ टाइनी मैन तो गुलीवर कहाँ होता है लिलिपुट में लिलीपुत जो कंट्री है जो मुल्क है टाइनी मैन का जो छोटे छोटे लोग होते है हैं उनकी जो uh, उनकी जो कंट्री है उनकी जो दुनिया है उसको बोलते हैं लिलिपुट ही वांटेड टू गेट अप वो खड़ा होना चाहता है ही सेड टू हिम सैल अप आर नाट थिक्कर देन थ्रेड ये जो मुझे बंधे हुए हैं ये uh, कुछ जिसे में बांधा हुआ है समथिंग लाइक कॉर्ड तो वो बोलता है ये ज़्यादा मतलब मोटे नहीं हैं ये तो इतने पतले हैं जितना धागा होता है आई कैन ईजीली ब्रेक द मैं आसानी से इनको ब्रेक कर सकता हूँ और ख़ुद को आज़ाद कर सकता हूँ अब आगे वो करता है कि नहीं करता है या कैसे कैसे वो अपनी खुद को फ्री करता है इसको ब्रेक करता है और वो उसके साथ क्या करते हैं वो लिलपूत तो ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे थैंक यू